युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्रिकेट खेल में रुचि बढ़ाने को लेकर एकेडमी की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें गांव पेलक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्रिकेट खेल में रुचि बढ़ाने को लेकर एकेडमी की ओर से 3 महीने तक लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ किया गया है, जिसमें 20 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष तक की आयु के युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया गया। अनिल जी, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ किया गया है, तो कब तक टूर्नामेंट चलेगा और क्या इसका उद्देश्य रहा है? देखो, क्रिकेट टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया है हमारे चौटाली ने किया है, और हम यहाँ कॉर्पोरेट टीम की तरह से खिला रहे हैं इनको। जो संडे संडे 2 मैच होंगे हमारे, हो सकता है 1.5 महीने चले, हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 3 महीने चले, और एक फेयर गेम कराने की कोशिश कर रहे हैं। गेम से आपको पता है कि क्रिकेट गेम हो रहा है, वर्ल्ड कप भी चला हुआ है उधर, वर्ल्ड कप के साथ साथ हमारा भी क्रेज बहुत ज्यादा है क्रिकेट का, लोगों का क्रिकेट में क्रेज बहुत है। इससे क्या होता है, हेल्थ भी ठीक होती है हमारी और हमारा मेंटली फिट होते हैं। बात कर लेते पलवल के युवाओं में क्रिकेट का इतना भी क्रेज नहीं है, तो उसको लेकर क्या तराशने के लिए इस तरह से आयोजन किया जा रहा है? देखो सर, क्रेज तो बहुत है लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। एक्चुअली जो लड़के देख रहे हो आप, हर अकेडमी के अंदर आपको 100, 150, 200 बंदे, और हर संडे को आप किसी ग्राउंड में जाओ मैच होते मिल जाएंगे, लेकिन उनको एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पा रही, एक अच्छा स्पॉन्सर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या आप इनको उम्मीद करते हैं कि बच्चे आगे खेल पाएंगे? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में आप, हो सकता है कि रणजी टीम प्रेयर करें या इंडिया टीम प्रेयर करें, हमारे बच्चे यहाँ के जरूर आगे निकल के जाएंगे। आप खुद यंग है, पिछले काफी लंबे समय से आप इस तरह की अकेडमी को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या लगता है कि नई क्रिकेट की टीम बनकर आएगी? बिल्कुल बन के आएगी सर। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं पहले तो वर्ल्ड कप की शुभकामना देना चाहूंगा इंडिया को, और अपने बच्चों को शुभकामना देना चाहूंगा, अच्छा खेलो, हो सकता है आगे जल्दी मौका मिले आप लोगों को। अमित जी, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए, इसमें काफी युवा इसमें भाग ले रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखो अभी तक हमारे बच्चों को यहाँ पर टूर्नामेंट सिटी के अंदर नहीं मिल रहे थे, काफी समय के बाद ये टूर्नामेंट हुआ है, तो ये टूर्नामेंट भी हमारे अनिल भाई साहब के माध्यम से आरंभ किया गया है, तो मैं इनका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बताया जा रहा है कि कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी के बारे में क्या जानकारी है? जी ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये पूरे ऑल ऑफ इंडिया के पूरे ऑल ऑफ इंडिया में अपना टूर्नामेंट करवाती रहती है। जो आज इनको मौका मिला पलवल में आने का, तो मैं इनका दिल से बहुत आभारी हूँ कि जो आज पलवल आके इन्होंने टूर्नामेंट शुरू करवाया। टूर्नामेंट कितने लंबे समय चलने की उम्मीद है इसकी? ये कम से कम जी 3 से 4 महीने टूर्नामेंट चलेंगे, और समय समय पर इन्होंने अनिल जी ने बोला है कि मैं समय समय पर यहाँ पर आके अपना टाइम निकालूंगा, इन बच्चों के साथ रहूंगा जी।